नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ विनय। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज भाई आप लोगों को बताता हूँ कि भाई जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह कैसे चेक करते हैं। आपने जो लाइसेंस अप्लाई कर दिया बट प्रॉब्लम कहाँ पे अटक रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ स्टेटस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो भाई परिवहन सेवा पे आ जाना है, ड्राइवर लर्न लाइसेंस पे क्लिक करना है एंड जो यहाँ पे आपको अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आप जो यहाँ पे आ जाओगे इस पोर्टल पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाई आप नया भी अप्लाई कर सकते हो, लर्नर लाइसेंस जो है DL भी अप्लाई कर सकते हो, DL रिन्यूअल भी, जो भी है आप जो सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जो है भाई अब प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो भाई मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है हाउ टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको भाई इस पे स्टेटस चेक पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये मेरी एप्लीकेशन नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आपको भी मिला होगा ज़रूर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है एंड डेट ऑफ बर्थ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा जैसे ही आप फिल कर लोगे उसके बाद जो है आपको सारी डिटेल्स शो कर देगा, जो भी आपका जो है डिटेल। देखो जैसे कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो शो कर गई, हालांकि फ़ोटो गंदी है क्योंकि पुरानी फ़ोटो है। ठीक है, बहुत तो यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम सब कुछ यहाँ पे शो कर दिया है, देख लो जैसे कि आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है, MCWG है और LMV का है। ठीक है, मतलब मोटरसाइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल का, लाइट का लाइसेंस है मेरा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ दो है कंप्लीटेड हो चुका है, DL स्लॉट बुकिंग भी ओके भी। ठीक है, इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस देख लो कंप्लीट हो चुका है एट सिक्योरिटी लेवल पे और इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस भी बाई रिकॉर्ड टेस्ट हो चुका है हमारा कम्प्लीटली 16/6 को और ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव भी हो चुका है 16 को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रोसेसिंग में चल रहा है प्रिंटिंग, मतलब हमारा सब कुछ हो चुका है, बस हमारा जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होना रहता है। ठीक है, वो भी IT लेवल पे प्रोसेसिंग पे। ओके, एंड देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट है जो वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और किस डेट को कंप्लीट हुआ है वो भी हमारा शो कर गया है एंड हम उसमें पास हुए या नहीं है वो भी शो कर गया है। देख लो पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ और किसने कंडक्ट किया था वो भी नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एंड ये भी डिटेल्स आपको पुरानी डिटेल्स मिल जाएंगे भाई एप्लीकेशन का क्या हाल है जो आपने लगाई है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी। ओके, एंड तो भाई यहाँ पे मैंने आपको डिटेल दिखा दी कि भाई जो जो डिटेल्स हैं यहाँ भी आपको क्या क्या है, जैसे कि मेरे सिर्फ प्रिंटिंग होना रहता है Form 7 के अंदर, मतलब कि हमारा कार्ड के अंदर प्रिंट होना रहता है और ये सरल का के अंदर में Counter 5 पे होगा। ठीक है, तो ये अपने शहर में पता कर लेना कि हाँ भाई कहाँ होता है ये सब कुछ डिटेल्स, तो आपको जो है इजी हो जाएगा सारा प्रोसेस। ठीक है, नया अप्लाई करना है तो आपको जो है मेरी चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ जानकारी बता देता हूँ अभी स्टेटस से अलग। भाई स्टेटस से अलग जानकारी ये, अगर आपको जो है फिर भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना, तो भाई आपको यहाँ पे फाइल योर ग्रीवियंस पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP पे डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर आपका मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो भाई आप यहाँ से कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब फिर भी अगर कुछ नहीं होता सोल्यूशन तो भाई आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही कांटेक्ट नंबर दिया गया है 120492 वाला एंड 5505, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मेल्स भी दी गई हैं भाई कि भाई किस से रिलेटेड आपको जो चालान से रिलेटेड है तो ये, एम परिवहन से रिलेटेड है ये, लाइसेंस रिलेटेड है तो ये। ठीक है, उनको आप मेल भी कर सकते हो एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी। ठीक है, ये सारे सुविधाओं का आप यूज़ कर सकते हो और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए सारी डिटेल्स वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देख लेना एक बार, चैनल पे मिल जाएगी। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, हाउ टू अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस एंड विनू जागलान मेरा नाम सर्च कर देना यूट्यूब पे, अपने आप ऊपर आ जाएगी वीडियो। ठीक है, बाकी आप स्क्रॉल करके भी निकाल सकते हो। ओके, एंड भाई यहाँ पे जो जो वैसे चीज़ें ना, वैसे कहते हैं ना कि भाई आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर का मतलब है भाई अपने काम खुद करो, सीखो और करो, ना कि किसी दुकान में जाके, ऐसे सेंटर पे जाके। ठीक है, या मतलब किसी और पे जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उनको पैसे दो बिना मतलब क्या है ना, अपने काम खुद करना सीखो भाई। ओके, तो भाई जैसे कि अभी हमने अपना अप्लाई खुद किया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना अप्लाई कर देना है। स्टेटस चेक करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया भाई, स्टेटस कैसे चेक करना होता है।
और भी कोई डिटेल्स जाननी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मैं बता दूँ। ओके, एंड मेल्स वगैरह कॉन्टैक्ट्स वगैरह यहाँ पे सारे शो हैं, जैसे कि ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन है तो आप इनको कर सकते हो, लर्निंग लाइसेंस, RM परिवहन चालान रिलेटेड इनको कर सकते हो आप, ठीक है। एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे आप आराम से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो और भी सुविधाएं जैसे कि यहाँ पे अदर जो है फैंसी नंबर हो गया और RC वगैरह हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ यहाँ पे आप डिटेल्स में चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में यही था, कोई प्रॉब्लम तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू ऑल।